Hello guys, welcome to the Clarkart TV. My name is Shuib Ahmed and today we are going to learn the use of seem to be. So let me tell you first that how we use seem to be and why we use seem to be. So generally seem to be used for prediction or assumption when we have a bit knowledge about the work. We use seem to be for prediction or assumption. Seem to be हम तभी use करते हैं जब हमें काम का थोड़ा सा पता हो और आगे हम अंदाजा लगाते हैं. जब भी हम अंदाजा लगाएंगे यानी कि prediction or assumption तो हम use करेंगे seem to be. So let's come to our formation. So formation is की यानी कि इसकी बनावटें ये हम कैसे बना सकते हैं. First of all we have to put subject after that seem or seems to be. Seem or seems to be. अब जब हम बनाएंगे जब हम present की बात करेंगे he she it or seem he she it or singular verb use करेंगे. Seems to be यानी कि present simple का वो है rule है हम ऐसे लगाएंगे. अगर I be you they ऐसा कोई शब्द यूज करें तो seem के साथ से use करें. Seem to be plus verb plus inform plus object. जब भी हम seem to be का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में हमें verb के साथ inform लगाएंगे from object. So let's come to our examples. Number one example is he seems to be reading a newspaper. He seems to be reading a newspaper. लगता है वो अखबार पढ़ रहा है. As I told you, it is used for prediction or assumption. ये यहाँ पे हमें इस newspaper पढ़ने का मतलब full अंदाजा नहीं है. हम अंदाजा लगा रहे हैं. हमें little bit knowledge है. हमें थोड़ी सी knowledge है. तो हम कहेंगे लगता है कि वो अखबार पढ़ रहा है. मतलब फुल नॉलेज नहीं है हमें. सिर्फ हम प्रिडिक्ट या अज्यूम कर रहे हैं. सो लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल. यू सीम टू बी मेकिंग मी फूड. यू सीम्स टू बी मेकिंग मी फूड. लगता है आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं. लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं. So here is not complete sense. We have assumed or predicted. Here's third example of using. You seem to be traducing me. लगता है कि आप मेरी गिला कर रहे हैं. ये जब भी हम मैं आपसे एक बार फिर बता दूं जब भी हम seem to be तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी वर्ग के बारे में किसी भी काम के बारे में किसी भी एक्शन के बारे में पता हो बट थोड़ा सा लिटिल बिट पता हो और आगे हम अंदाजा लगाते हैं अज्यूम करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा चल रहा होगा तो हम कहेंगे हमें लगता है कि. सो हैज लास्ट एग्जांपल ऑफ सीम टू बी. आई सीम टू बी राइटिंग ए लेटर. आई सीम टू बी राइटिंग ए लेटर. लगता है कि मैं खत लिख रहा हूँ. सो गाइज थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो एंड मजीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करते रहिए कलाकार टीवी.